की है, क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस, के दो पेजेस के दरमियान लिंक कैसे बनाया जाए, लिंकिंग टू अदर साइट। अच्छा, मुझे लग रहा है ये चैप्टर भी हम कुछ पढ़ चुके हैं, शायद शुरू कर लिया था ये चैप्टर भी हमने, राइट। अच्छा, तो ये हम डायरेक्ट कोड में आ जाते हैं ना यहाँ पे। यहाँ तक की थ्योरी वाली बात हमने पढ़ ली थी सारी। अच्छा जी, लिंकिंग टू अदर साइट। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना मैं बना देता हूँ अब फोल्डर्स। ये जो पहले का हमारा कोड लिखा हुआ है, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसको मैं कह देता हूँ वन हेलो वर्ल्ड, और ये वाला HTML मैं इसमें मूव कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं फोल्डर बना रहा हूँ एक ही रिपॉजिटरी में, मल्टीपल फोल्डर्स, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोड अलग अलग जगह जाके तलाश ना करना पड़े। आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप हर टास्क के लिए एक अलग रिपॉजिटरी बनाएंगे और उसके अंदर आप काम करेंगे, ठीक है। जितनी भी वेबसाइट आपने बनानी है, अलग रिपॉजिटरी होगी। टू डॉट तो लिंक्स वाले चैप्टर में लिंक्स वाले फोल्डर में आके मैंने एक फ़ाइल बना लेनी है, index.html, ठीक है जी। index.html, उसमें बेसिक एक HTML का कोड लिख दिया मैंने। HTML5 links, ठीक है जी। अच्छा, और मैंने साथ में क्या लगा दिया यहाँ पे, एक अदद पैराग्राफ लगा दिया। ये हेडिंग और पैराग्राफ हम पहले भी लगाते रहे हैं। और इसमें मैंने ये वाली बात लिख दी। और लास्ट में यहाँ पे आके मैं क्या लगाता हूँ, एक अदद लिंक लगा देता हूँ, जिसको हम एंकर टैग से लगाते हैं। ए का जो टैग होता है ना, वो इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। ये ए का टैग है, ये इस्तेमाल होता है। और इस लिंक के बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ जाए, गूगल लिखा हुआ जाए, ठीक है। और यहाँ पे इसका एड्रेस लिखा हुआ जाए https://https://google.com, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा जो है ना, एक पूरा का पूरा टैग ये बन के तैयार हो गया। अच्छा, अब ये जो कोड है मेरा, ये मेरी स्क्रीन पे क्लिकेबल लिंक की सूरत में बन के आ रहा होगा। इसको अब चला के देख लेते हैं। मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पे, कॉपी पाथ, तो जी ये मेरा हेडिंग और पैराग्राफ इस तरह दिख रहा है। और लास्ट में जैसे ही देखिए, इसके ऊपर मैं हाथ लेके जाता हूँ ना, ये हैंड एक बना हुआ आ जाता है, थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा होता है कि जी ये क्लिकेबल है लिंक। और इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखें मेरा पेज मूव होके ना google.com पे ये चला जाता है। यहाँ पे एड्रेस बार में google.com लिखा हुआ आ गया, ठीक है। मैं बैक करता हूँ तो वापस मेरी वेबसाइट पर भी आ जाता है ये, ठीक है। बैक का बटन, ये वाला बटन दबा के मैंने बैक किया, ठीक है। मैं दोबारा फॉरवर्ड करूँगा तो ये गूगल पे भी चला जाएगा, बैक करूँगा मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो जी ये लिंक हमारा सबसे पहला जो था ना, ये लग गया। इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, तीन अलग अलग वेबसाइट का लिंक बनाया हुआ है। तो मैं इनका कोड भी ज़रा कॉपी करके चला लेता हूँ कि इनका कोड किस तरह का दिखता है, ठीक है। वैसे तो रिव्यू इन्होंने प्रीव्यू यहाँ पे दिखाया हुआ है, लेकिन हम इस कोड को एज इट इज़ चला के देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा है और उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट एक बनाई है, UL, और UL के हर लिस्ट आइटम के अंदर एक लिंक है। तो ये देख लेते हैं जी कैसा दिखता है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपके पास, ठीक है जी। इस पर मैंने एम्पायर पे क्लिक किया, तो ये कोई वेबसाइट का लिंक था एम्पायर, ये उस पर मूव कर गया, ठीक है। empireonline.com, ये कोई मूवी की वेबसाइट है, ये उस पर चला गया, ठीक है जी। रॉटन टमाटोज पे क्लिक किया मैंने, तो ये उस वेबसाइट पे चला गया, rottentomatoes.com, ठीक है जी। ये क्या हुआ, हैंग हो गया।
अच्छा जी, तो ये तो लिंक हो गए जो सिंपल, सबसे सिंपल लिंक है कि जी आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक करवा देगा ये। अब हम चलते हैं आगे, लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑफ द सेम वेबसाइट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जी एक ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को आपस में लिंक कैसे करवाया जाए। अच्छा, उसके लिए पहले तो हमें अपनी वेबसाइट में पेजेस बनाने होंगे। अभी तक जो हमने वेबसाइट बनाई है वो सिर्फ एक पेज हुआ करता था उसमें, लेकिन अब हमने क्या करना है, मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट बनानी है। अच्छा, तो मैं इसी लिंक वाले फोल्डर में आके मज़ीद पेजेस बनाना शुरू करूँगा। अच्छा, पहला जो सबसे पेज था वो तो index.html था, इसको तो चेंज नहीं कर सकता मैं। लेकिन अब जो मैं मज़ीद दूसरा जो पेज बनाऊँगा उसका मेरी मर्ज़ी का कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एक पेज बनाया, मैंने कहा जी के about.html, ठीक है। .html लगाना ज़रूरी है स्टिल, लेकिन अब पेज का नाम आप कुछ और रखेंगे, इंडेक्स नहीं रखेंगे आप, ठीक है। वो पहला पेज होता है, सिर्फ उसका नाम इंडेक्स होता है। अच्छा, अगर मैं इंडेक्स के नाम से दूसरा पेज बनाऊंगा ना, ये मुझे बनाने भी नहीं देगा, ये मुझे एरर देगा, कहेगा भाई इंडेक्स के नाम से तो बना हुआ है। तो मैंने अबाउट कर दिया, एक मैंने कर दिया गैलरी डॉट एच टी एम एल, और एक मैंने कर दिया हाँ कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है जी। तो ये मेरी टोटल जो है अब इस वेबसाइट के अंदर चार पेजेस हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले जाके क्या करता हूँ, गैलरी के पेज में जाके और मैं जो बेसिक एच टी एम एल है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे जस्ट एक हेडिंग लगा देता हूँ कि दिस इज़ गैलरी पेज, ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें अब जस्ट हम ये हेडिंग लिख रहे हैं, बट ये पूरा का पूरा पेज होगा। आपको पता है इस पेज में जो जो एच टी एम एल अवेलेबल है वो सारी लिखी जा सकती है यहाँ पर। अच्छा, और फिर मैं यही बात जाके कॉन्टैक्ट वाले पेज पे भी लिख दूंगा कि दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है जी। और अबाउट में जाके भी मैं लिख दूंगा ये बात कि दिस इज़ अबाउट पेज। तो अब हमारे पास क्या हो चुके हैं, टोटल चार पेजेस हो चुके हैं, नंबर एक इंडेक्स, नंबर दो गैलरी, कॉन्टैक्ट और अबाउट। अच्छा, तो मैं अबाउट के पेज को पहले ज़रा वैसे ही खोल के देख लेता हूँ कि जी ये ओपन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अबाउट के पेज पे मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ, और यहाँ पे आके मैंने इसको लिखा, तो जी अबाउट पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं कॉन्टैक्ट का जो पेज है इसको मैं अलग से ओपन करके देखता हूँ, कॉपी पाथ, कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हो रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। गैलरी का पेज अलग से ओपन करके देखते हैं कि जी ओपन हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ठीक है। तो ये चार जो पेजेस थे, चारों पेजेस अलग अलग तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि मेरा जो इंडेक्स का जो पेज है, इसको मैं वापस से ओपन कर लेता हूँ मेरे इंडेक्स के पेज को। मेरा जो इंडेक्स का पेज है इसमें मुझे एक लिंक लगाना है जो मुझे यहाँ से किधर ले जाए, गैलरी के अंदर ले जाए मुझे यहाँ से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आके सबसे टॉप पे मैं ये काम करने लगाऊँ, सबसे टॉप पे मैं क्या करूँगा, एक अदद बना देता हूँ मैं, यू एल अनऑर्डर्ड लिस्ट, सही है जी। और उसके अंदर मैं बना देता हूँ एल आई, और एल आई के अंदर सबसे पहले एल आई के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि ये क्या होगा, गैलरी होगा, ठीक है जी। और इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस क्या होगा कि क्लिक करने से कहाँ जाए, वो मैं लिखूँगा डॉट स्लैश। डॉट स्लैश करते ही ना ये जितने भी पेजेस हैं इसकी सजेशन आ जाएगी, ये सजेशन मुझे वी एस कोड दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये डॉट स्लैश करके मैंने गैलरी का यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लिया, या मैं हाथ से भी लिख सकता था, ज़रूरी नहीं है क्लिक करूँ, हाथ से भी लिख सकता था मैं गैलरी डॉट एच टी एम एल पूरा। अच्छा, ये डॉट स्लैश का मतलब होता है कि इस फोल्डर में गैलरी डॉट एच टी एम एल जो है ना वहाँ चले जाओ, इसका मतलब ये है। तो इस फोल्डर में गैलरी डॉट एच टी एम एल होना भी ज़रूरी है, फिर अगर ये गैलरी डॉट एच टी एम एल नहीं होगा तो ये फिर वर्क नहीं करेगा। अच्छा, तो मैंने कहा कि जी इस एंकर टैग के ऊपर जब क्लिक हो तो इस फोल्डर में, जिस फोल्डर में मैं खड़ा हुआ अभी, यानी जिस फोल्डर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसी फोल्डर में गैलरी डॉट एच टी एम एल पर मूव कर जो, ये मैंने बात लिख दी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी यहाँ पे हम, और इसको मैं रिफ्रेश जैसे ही करूँगा तो ये गैलरी बना हुआ आ गया, इसको क्लिक करते ही ये मुझे गैलरी के पेज पर ले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करवाना हमने सीख लिया।
अच्छा अब अगला काम क्या करना है मुझे भाई, सिर्फ गैलरी पे तो नहीं जाना है मुझे, बाकियों पे भी जाना पड़ सकता है। मैंने कहा कि जी बाकियों वाले पे भी जाना है मुझे, और एक पे मैंने कह दिया कि जी कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, और एक पे मैंने कह दिया अबाउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, तीन बने हुए आ गए। अच्छा आप नोट कीजिएगा, जिसमें मैंने कॉन्टैक्ट लिखा है उसमें डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल लिखा है, जिसमें मैंने अबाउट लिखा है उसमें डॉट स्लैश अबाउट डॉट एच टी एम एल लिखा है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे मैं ज़रूरी नहीं अबाउट लिखूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक्स वाई जेड कोई भी बात लिखूँगा ना मैं यहाँ पे। ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट, ये जस्ट डिस्प्ले के लिए होता है कि दिखाना क्या है यूज़र को, और ये पार्ट जो है वो एड्रेस है। ये दोनों का आपस में कोई ऐसा फिक्स रिलेशन नहीं है। अब देखें यहाँ पे मैंने अबाउट को चेंज करके ना कोई रैंडम टेक्स्ट कर दिया, लेकिन इस पर क्लिक करने से ये अभी भी जाएगा अबाउट की पेज पर, क्योंकि एड्रेस अबाउट का लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये डिस्प्ले के लिए होता है। फिलहाल मैं इस पर अबाउट ही लिख देता हूँ, क्योंकि अबाउट अप्रोप्रिएट कैप्शन है इसके लिए, इस लिंक के लिए। तो जी मेरे पास ये तीन अदद लिंक आ गए, और मैं तीनों में से किसी पे भी क्लिक करता हूँ। मैं गैलरी पे क्लिक करता हूँ तो मैं गैलरी पे जाता हूँ, फिर मैं बैक का बटन दबा के वापस इंडेक्स पे आता हूँ, फिर मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, फिर मैं वापस बैक आता हूँ, फिर मैं अबाउट पे जाता हूँ, और फिर मैं वापस बैक आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये वाला हो गया एक। तो अब सवाल ये है कि इसमें एक प्रॉब्लम अभी भी है। आमतौर पे वेबसाइट पे ऐसा तो नहीं होता कि आप गैलरी में गए तो वापस आपको बैक आके फिर अबाउट पे जाना पड़े, गैलरी के अंदर भी वो पूरा आ रहा होता है नेविगेशन बार। तो इसके लिए अब हम इसको शक्ल देने जा रहे हैं एक नेविगेशन बार की। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे नाम, इसका हम लिखेंगे नाम नैव। सही है, नैव का एक टैग है। अच्छा ये नैव का जो टैग है ये स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, ये जो नैव का टैग है ये स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, ये सिमेंटिक टैग है। ठीक है, जब कोई सर्च इंजन या कोई स्क्रीन रीडर मेरे पास आएगा तो उसको पता चलेगा अच्छा ये जो पार्ट है ना ये नेविगेशन बार है। अच्छा अब ये एज इट इज़ इस नेविगेशन बार को मैंने कहाँ कहाँ लगाना है, तमाम पेजेस पे लगा देना। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, ये नेविगेशन बार, इसमें किसी का कोई सवाल तो नहीं है, ये सब लोगों को समझ आया कि क्या हो रहा है ये। कौन सा पेज? मैं सवाल नहीं समझा, रिपीट कीजिएगा सवाल। हाँ नहीं, ये तो लिंक होता है ना कि एक पेज पे आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर जाते हैं, ऐसे होता है ना। जी, ये आपकी मैं बात अब जाके समझाऊँ कि ये क्या बात कर रहे हो। असल में ये अभी ना हम पढ़ रहे हैं HTML बिल्कुल प्लेन, ये वाला जो काम है ना ये फ्रेमवर्क लेवल पे होता है। जब हम ये काम करेंगे ना, रिएक्ट का फ्रेमवर्क हम इंशाल्लाह यहाँ पे पढ़ेंगे, तो रिएक्ट के फ्रेमवर्क में जब हम राउटिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ पर होगी। सही है। अच्छा और क्या कहते हैं, आपने शायद PHP वगैरह पढ़ी है, PHP में भी ये तरीका काफ़ी कसरत से इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एक EJS करके इंजन होता है, एक्सप्रेस के साथ वो चलता है। तो ये वाला काम असूलन होगा तो ऐसे ही जैसे आप बता रहे हैं, ये फ्रेमवर्क में, सारे फ्रेमवर्क में ऐसे होता है ये काम। हाँ जी, लेकिन अभी हम क्योंकि बेसिक्स कवर कर रहे हैं तो अभी हम प्लेन HTML के अंदर ये काम इसी तरह से होता है। ठीक है, एक्चुअल जो वेबसाइट होती है कोई भी, वो प्लेन HTML पे आमतौर पे नहीं होती, या उसको यूँ कह लें कि वेब एप्लीकेशन जो होती है, जैसे फेसबुक जैसी एप्लीकेशन प्लेन HTML CSS पे नहीं बन सकती, वो फ्रेमवर्क पे बनती है। ठीक है, लेकिन कोई दूध की दुकान की वेबसाइट है तो वो प्लेन HTML में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है ना, ये प्लेन HTML की अप्रोच है, ये फ्रेमवर्क में काम मुख्तलिफ तरीके से होता है और काफ़ी शॉर्ट हो जाता है ये काम। फ्रेमवर्क्स का काम यही होता है कि आपके टाइम को बचाएं, और जो काम लंबा टाइम लेता है उसको वो जल्दी से कर दे। अच्छा जी, तो ये हमने क्या कर दिया, एक नेविगेशन बार बना दिया। इस नेविगेशन बार को मैंने कॉपी किया और मैं तमाम पेजेस में जाके इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। मैंने इसको गैलरी में भी पेस्ट कर दिया, मैंने इसको कॉन्टैक्ट में भी पेस्ट कर दिया, अबाउट में भी पेस्ट कर दिया, रिफ्रेश किया मैंने। अच्छा अब मैं देखें इंडेक्स के पेज पे मौजूद हूँ इस वक्त। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स, ये देखें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखा हुआ है। इसमें मैं गैलरी पे जब क्लिक करता हूँ तो आप देखें क्या होता है कि दिस
दिस इज़ गैलरी पेज तो आ गया, लेकिन गैलरी पेज पे भी ये नेविगेशन बार अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, फिर यहीं से मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं कॉन्टैक्ट पे मूव कर जाता हूँ, और यहीं से मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो मैं अबाउट पे मूव कर जाता हूँ। अब यहाँ से मुझे वापस होम पेज पे जाना है, यानी कि इंडेक्स के पेज पे। उसके लिए मैं क्या करूँ, अबाउट के पेज पे जाके अगर मैं यहाँ पे होम करके लगा दूँ तो ये काम हो जाएगा। अच्छा चलते हैं, अबाउट पे जाके मैं क्या करता हूँ, एक ना यहाँ पे ऐड करता हूँ लिंक, और इसको मैं कह देता हूँ कि जी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे लेके जाना है इसको, और इसका नाम रख दिया मैंने होम। ठीक है, तो ये चार लिंक हो गए अब। अच्छा आ जाते हैं अब जी अबाउट पे। अबाउट पे जैसे ही मैं आया तो अब देखें अब यहाँ पे होम भी आ रहा है। अब ये होम दबा के मैं होम पे मूव कर गया। अच्छा अब मैं गैलरी पे गया, गैलरी पे भी मुझे वो होम चाहिए, है ना। तो अब ये एक्चुअली होम पूरा का पूरा मुझे कहाँ पे चाहिए, अब ये तमाम पेजेस में चाहिए ना। कॉन्टैक्ट में भी जाके मैंने ये होम पेस्ट कर दिया, गैलरी में भी जाके मैंने ये होम पेस्ट कर दिया, और होम पे इटसेल्फ भी मैंने ये होम पेस्ट कर दिया। अब ये होम पे होम क्यों पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ये भी समझने की बात है। मिसाल के तौर पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मैं होम पे आ गया, देखो मैं अभी होम पे खड़ा हूँ। ठीक है, अब होम के ऊपर मैं जब होम पे क्लिक करूँगा ना तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी होम पेज पे मौजूद हूँ। गैलरी पे जब जाऊँगा और वहाँ से होम क्लिक करूँगा तो वापस आएगा वो। लेकिन मैं होम पेज पे भी होम इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरा जो नेविगेशन बार है वो मूव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये यूज़र एक्सपीरियंस की बात है कि मेरा जो नेविगेशन बार है वो मूव नहीं होना चाहिए, और मुझे किसी भी पेज पे खड़ा हुआ हूँ मुझे पूरा नेविगेशन बार दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखें होम पे भी रहूँगा मैं, गैलरी पे जब जाता हूँ तो गैलरी भी मौजूद है। अभी मैं इस वक्त गैलरी के पेज पे मौजूद हूँ, मैं गैलरी पे क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं होगा, बट ये नेविगेशन बार देखें मेरा मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नेविगेशन बार मेरा फिक्स है। अच्छा, अभी ये नेविगेशन बार वर्टिकल बना हुआ आ रहा है। आम तौर पे आपने जो नेविगेशन बार देखे होंगे वो हॉरिजॉन्टल बने हुए आते हैं और लंबी सी पट्टी आ रही होती है टॉप पे। अच्छा, वो सीएसएस के ज़रिए हम इसकी स्टाइलिंग जब करेंगे ना तो इसको हम वर्टिकल से चेंज करके ऐसे हॉरिजॉन्टल में बना के उसको कलर वलर देंगे, वो सीएसएस का काम है। एचटीएमएल का ये काम यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, इसमें नेव का एक टैग लगेगा जो कि स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा, ये सेमेंटिक टैग है। दूसरा कि ये पूरा का पूरा नेविगेशन बार मैंने तमाम पेजेस पे ले जाके पेस्ट कर दिया है, और इवेंचुअली अब हमारी ये क्या बन गई है, एक चार पेजेस की एक वेबसाइट बन के तैयार हो गई है। ठीक है, एक ऐसी वेबसाइट बन गई है जो चार पेजेस की वेबसाइट है। अच्छा, इस पॉइंट पे अच्छा ये वेबसाइट इसको भी एज इट इज़ आप होस्ट करेंगे गिटहब में, ये हो जाएगी जैसे हमने गिटहब में लास्ट टाइम होस्ट की थी ना, एक वेबसाइट को होस्ट करके देखा था, वैसे होस्ट करेंगे वो होस्ट हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन अब इस वेबसाइट में एक की जगह चार पेजेस होंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको एक असाइनमेंट मिल गया कि आपने एक चार पेजेस की वेबसाइट बनानी है। अच्छा, वो वेबसाइट किस चीज़ की होगी, किसी दुकान की वेबसाइट होगी वो। अच्छा, वो किसी मिठाई की दुकान की वेबसाइट हो सकती है, किसी हेयर ड्रेसर की दुकान की वेबसाइट हो सकती है, किसी कपड़े की दुकान की वेबसाइट हो सकती है। ठीक है, स्टेशनरी वगैरह एक्स वाई जेड। तो आपने अपनी मर्ज़ी की किसी भी किस्म के दुकान की ना एक सोच लेनी है वेबसाइट, और वो आपने बनानी है। ठीक है, रेसिपी की वेबसाइट आप लोग सब बना चुके हैं आई होप, देख रहा था मैं ग्रुप में आप सब लोगों ने भेजा था। तो ये आपका अगला असाइनमेंट है जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूँगा। ठीक है, क्योंकि जो बंदा एक पेज बना सकता है वो चार भी बना लेगा, वो दस भी बना लेगा, तो वो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हमारे पास लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑफ सेम वेबसाइट। तो ये वाला हमें टॉपिक हमने कवर कर लिया है यहाँ पे। अच्छा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अब ये कह रहा है कि कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी देखें एक से हो गए हैं चार पेज, तो ये अब और ज़्यादा होंगे। आम तौर पे वेबसाइट में 50-40-50 पेज होते हैं। ठीक है, वो हिडन होते हैं, वो सामने नज़र नहीं आ रहे होते। आप जैसे फेसबुक के अंदर आप जाएंगे तो सेटिंग पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो एक पूरा इंटायरली एक नई चीज़ खुलती है, उसमें अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं कि जनरल और वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी और वो सारे अलग अलग पेजेस होते हैं ऑब्वियसली। अब वो इतने सारे जब पेजेस होंगे आपके पास तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उस पर बड़ा मैटर करता है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये जो फोल्डर को असल में डायरेक्टरी भी कहते हैं ना, लिनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहते हैं। तो ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि फोल्डर किस तरह से ऑर्गेनाइज हो, क्या सब चीज़ों को रूट पे रखा जाए। जैसे लास्ट हमने एक जिक्र किया था कि जी अगर आपने इमेजेस लगानी है तो आप क्या करेंगे,
यहाँ पे IMG करके ना तमाम इमेजेस को उसके अंदर आप डालेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे तो नहीं बताया था, लेकिन पर्सनली कुछ लोगों को मैंने बताया था ये। अभी तो इमेजेस हमने नहीं पढ़े, आगे अभी कवर होगा इमेज। तो ऐसे IMG करके ना उसमें कर देते हैं सारी इमेजेस, क्योंकि आइकन छोटे छोटे, बैकग्राउंड इमेज और बहुत सारी प्रोफाइल पे काफ़ी कुछ हो जाता है। तो 40-50 पिक्चर अगर रूट पर पड़ी हुई हो ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। क्या कहते हैं, मुश्किल मुश्किलात पैदा हो जाएंगी उसमें, ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि ऑन लार्ज वेबसाइट इट इज़ गुड आइडिया टू ऑर्गेनाइज योर कोड बाई प्लेसिंग द पेजेस फॉर ईच डिफरेंट सेक्शन ऑफ द वेबसाइट इन अ न्यू फोल्डर ऑन अ वेबसाइट आर समटाइम रेफर टू इज डायरेक्टरीज। ये कह रहे हैं कि बेहतर ये है कि आप क्या करेंगे कि वेबसाइट में अगर आपके ज़्यादा पेजेस हैं, जस्ट इन केस अगर ज़्यादा पेजेस हैं, तो आप क्या करेंगे, एक तरह के जो पेजेस होंगे ना, उसको एक फोल्डर में डाल देंगे आप। जैसे इन्होंने देखिए क्या किया हुआ है, इनका इंडेक्स का पेज ये खड़ा हुआ है, ठीक है, index.html। अच्छा, फिर इमेजेस का फोल्डर है, चलो ये तो इमेजेस आ गई। अब आप देखें, एक मूवीज़ फोल्डर बनाया है इसने, उसके अंदर एक सिनेमा फोल्डर बनाया है, उसके अंदर लिस्टिंग और रिव्यू उसके अंदर रखा है। फिर एक DVD बनाया है, उसके अंदर भी ये इंडेक्स रिव्यू और index.html रखा है इसने। ये दो इंडेक्स, ये बाई मिस्टेक ये कर दिया है इन्होंने, दो इंडेक्स नहीं हो सकता एक पेज में, बंद हो गया वो। सही है, यहाँ पे दो दो इंडेक्स एक पेज में रख दिया, ये बाई मिस्टेक इसने कर दिया है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो लिस्टिंग और रिव्यूज़ इसने देखें अलग अलग फोल्डर में अलग अलग करके रखा हुआ है। तो काफ़ी सारे HTML पेजेस हैं, 3 दिन 6 दिन 9 दिन 12 HTML पेजेस हैं, लेकिन 12 HTML पेजेस को इसने फोल्डर में ऑर्गेनाइज कर दिया, जो रिलेटेड रेलिवेंट था उसको फोल्डर में डाल दिया। अच्छा, अब जब इस तरह का मैं कर दूंगा काम, तो मैं फिर इसको अटैच कैसे करूंगा इसके साथ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास डॉट स्लैश मैंने लिखा है ना, gallery.html, क्योंकि gallery.html रूट पे पड़ा हुआ है, इसी फोल्डर में पड़ा हुआ है। अगर ये gallery.html किस में होता, एक फोल्डर में होता मूवी के नाम से, तो मैं क्या करता, मैं कहता डॉट स्लैश मूवी स्लैश gallery.html, इस तरह से होता, ठीक है। मैं उस फोल्डर का नाम लिखता, फिर उस फाइल का नाम लिखता, ऐसे करके करता। अच्छा, और इस तरह से जो मैं लिख रहा होता हूँ एड्रेस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेटिव पाथ। एक तो एब्सोल्यूट URL हमने दिया था, https://www.google.com, ये मुकम्मल जो एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ या एब्सोल्यूट URL। ये वाला जो तरीका है ना, इसको हम कहते हैं रिलेटिव URL या रिलेटिव पाथ। रिलेटिव का मतलब है कि हम एक रेफरेंस बताते हैं कि जी अच्छा, इस फोल्डर से जहाँ पे हम खड़े हैं, इस फोल्डर से फला जगह चले जाओ, कि इस फोल्डर से आगे या पीछे का कोई पाथ बता सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया जी। अब रिलेटिव URL के बारे में ये पूरी इसने दास्तान लिखी है, इसको कोशिश कीजिएगा आप पढ़ लें। हेडिंग ये जस्ट हम यहाँ पढ़ लेते हैं, बाकी नीचे जो ये लिखा हुआ है ना, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। रिलेटिव URL कैन बी यूज व्हेन लिंकिंग पेजेस विद इन योर ओन वेबसाइट, दे प्रोवाइड अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ टेलिंग योर द ब्राउजर वेयर टू फाइंड योर फाइल्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, ये डॉट स्लैश जो है ना, ये आपने इसी तरह से लगाना है। उसका रीज़न, अगर आपने डॉट स्लैश नहीं लगाया ना, अगर आपने सिर्फ स्लैश लगा दिया अगर ऐसे, तो वो आपके कंप्यूटर में तो बिल्कुल सही काम करेगा, लेकिन वो github.com पे जाके करेगा मसला। क्योंकि इस डॉट स्लैश का जो मतलब है ना, लिनक्स में जो है, ये डॉट स्लैश का और सिर्फ स्लैश का, इन दोनों का अलग अलग मतलब है लिनक्स के अंदर। विंडोज़ के अंदर लेकिन ये मतलब इसका सेम है, इस तरह की कुछ कहानी है। तो विंडोज़ के ऊपर जब आप अपने कंप्यूटर में इसको चलाएंगे, ये बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन जैसे ही आप ये गिटहब में होस्ट करेंगे ना, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम शुरू कर देगा। वो उसको समझता है कि अच्छा, जो एग्जिस्टिंग URL है उसके आगे लगाना है, वो डॉट स्लैश इस फोल्डर को नहीं समझेगा, ठीक है। तो ये डॉट स्लैश का एक स्पेसिफिक मतलब है कि इस फोल्डर से आपने इसको ऐसे ही लगाना है, डॉट स्लैश ही लगाना है। आप सिर्फ स्लैश लगाएंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जी रिलेटिव URL में क्या होता है कि आप एक जगह बताते हैं कि अच्छा जी यहाँ से चलाओ, और वो शॉर्ट हैंड भी है, लिखने में भी शॉर्ट है और कन्वीनियंट एक तरीका है। अच्छा, और अगर मैं एक बात और भी कहूँ कि रिलेटिव URL के अलावा ना कोई और तरीका नहीं है, अगर आपने सेम वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पे जाना हो ना, यानी जो हम अभी काम कर रहे हैं कि जी होम से अबाउट में चले गए, अबाउट से कॉन्टैक्ट में चले गए,
इस काम को करने के लिए ना रिलेटिव यूआरएल के अलावा कोई तरीका नहीं है, इसमें एब्सोल्यूट यूआरएल हम लगा भी नहीं सकते। अच्छा, अगर एब्सोल्यूट यूआरएल ये होता तो कैसे होता? ये होता कि भाई सी ड्राइव से पूरा पाथ होता, वो एब्सोल्यूट यूआरएल है, क्योंकि किसी भी फाइल पे जाके आप कॉपी पाथ जब करते हैं ना, देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पे इसी फाइल का कॉपी पाथ करता हूँ मैं। देखें यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक कॉपी पाथ, एक कॉपी रिलेटिव पाथ। तो मैं कॉपी पाथ जब करता हूँ ना, तो ये एब्सोल्यूट पाथ इसका कॉपी होता है, और यहाँ पे जब मैं पेस्ट करता हूँ तो आप देखें ये पूरा ना यूज़र मलिक डेस्कटॉप क्लास और ASF ये पूरा लेकर आया है। अच्छा, क्योंकि लिनक्स में और मैक में वो सी ड्राइव वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो इसमें वो यूज़र से शुरू किए कहानी, इसने यानी रूट से शुरू किए। विंडोज़ में आप सेम काम करेंगे तो वो सी ड्राइव से शुरू करता है, तो वो पूरा एब्सोल्यूट पाथ होता है। तो हम इस वाले केस में ना एब्सोल्यूट पाथ नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे तो वो मसला करेगा। ठीक है, आपके कंप्यूटर में शायद वो चल जाए, लेकिन गिटहब पे या किसी भी होस्टिंग पे जाने के बाद वो मसला करेगा। अच्छा जी, अब रिलेटिव पाथ से मुतालिक ना कुछ चीज़ें, अगर सेम फोल्डर की बात हो रही है ना, तो आप सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं या डॉट स्लैश करके वो नाम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, डॉट स्लैश का मतलब होता है इस फोल्डर में। अच्छा, अगर चाइल्ड फोल्डर में जाना है, जैसा कि जी मेरा पेज जो है वो रूट पे नहीं पड़ा हुआ, वो मूवीज़ के नाम से एक फ़ोल्डर है उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा म्यूज़िक फोल्डर का नाम पहले, या डॉट स्लैश और म्यूज़िक, या डॉट स्लैश और मूवी, जो भी मेरे फोल्डर का नाम है, उसके बाद स्लैश लगा के मैं फ़ाइल का नाम लिखूँगा। तो ऐसे मैं चाइल्ड में जा सकता हूँ। अच्छा, अगर मुझे जाना है ग्रैंड चाइल्ड में, यानी एक चाइल्ड फोल्डर है उसके अंदर एक और चाइल्ड फोल्डर है उसके अंदर फाइल है अगर, तो मैं वो कैसे करूँगा काम, कि जी एक फ़ोल्डर का नाम, उसके अंदर जो दूसरा फोल्डर है उसका नाम, उसके अंदर जो फाइल का नाम है। अच्छा, ये कि लिमिट नहीं है इसकी कोई, हम कितना भी अंदर जा सकते हैं फोल्डर्स के अंदर, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, अब उसके अलावा पेरेंट में अगर मुझे जाना हो, मिसाल के तौर पे, अब जाहिर है जब मैं एक फोल्डर के अंदर जो फाइल थी उस पर मैं चला गया, वंस उस पर जाके मैं खड़ा हो गया, अब वहाँ से मुझे होम पे जाना है अगर, तो वो तो पीछे वाली डायरेक्टरी में, तो मुझे पीछे आना पड़ेगा, जब होम का जो वहाँ पे बटन लगेगा उसमें पीछे की डायरेक्टरी होगी, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐसे लगाऊँगा ये डॉट डॉट स्लैश। सिंगल डॉट स्लैश का मतलब होता है ये वाला फोल्डर, डबल डॉट स्लैश का मतलब होता है इससे वन फोल्डर अप, पीछे वाला फोल्डर। अच्छा, तो अब देखें इसने कैसे ये बात लिखी है, HRF लिखा उसी तरह से, इसने कहा कि भाई इससे एक फोल्डर पीछे index.html, ठीक है, हाँ, जितना अंदर जाएंगे और जितना बाहर आना है उतनी दफ़ा ये लगेगा। जी दोस्त, सर ये जैसे कि डॉट्स और स्लैश का बहुत ज़्यादा काम है, तो कोई स्पेसिफिक मीनिंग है क्या इसका, कि हम इस डॉट से ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते? डॉट का स्लैश से स्पेसिफिक यही चीज़ें कर सकते हैं, इसके अलावा ये चीज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये डॉट जो है ना, डॉट का मतलब होता है ये फोल्डर, जैसे हम लिखते हैं ना कोड स्पेस डॉट, हम टर्मिनल खोलते हैं कोड स्पेस डॉट लिखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जी इस फोल्डर में ना VS कोड को खोलना है, VS कोड में इस फोल्डर को। तो डॉट लिनक्स के अंदर सिर्फ डॉट, स्लैश के साथ नहीं, सिर्फ डॉट का मतलब होता है ये फोल्डर, और दो डॉट का मतलब होता है पिछला फोल्डर। अच्छा, ये जो स्लैश है ना, ये फाइल का पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है ये फाइल का पार्ट है, और ये जो दो डॉट है ये अलग चीज़ है, ये दो डॉट का अपना मीनिंग है, और डॉट स्लैश इसलिए बताते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए वो, लेकिन असल में ये दो डॉट ये अलग है और ये वाला पार्ट जो ये अलग है। इसी तरीके से आप क्या करते हैं, जब चेंज डायरेक्टरी करते हैं तो CD करके स्पेस डालते हैं और डॉट डॉट लगाते हैं, डॉट डॉट का मतलब होता है पिछले फोल्डर में जाने की बात हो रही है, ठीक है, और CD करके सिंगल डॉट लगाएंगे तो इसी फोल्डर में ही रहेगा वो, लेकिन सिंगल डॉट आमतौर पर नहीं लगाते हम, सिंगल डॉट के साथ स्लैश करके फिर फोल्डर का नाम लगाते हैं, ठीक है। तो ये लिनक्स के अंदर सिंगल डॉट और डबल डॉट का ये मतलब है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बुक में यहाँ पे ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, आपने इसको एज इट इज़ चलाना है, शुरू शुरू में तो आपने एज इट इज़ इसको चलाना है, जब एज इट इज़ आपसे चल जाए तो आप फर्दर इसको रिसर्च कर सकते हैं कि जी ये क्या मतलब होता है और क्या चक्कर होता है, ये करके देखने वाली चीज़ है, जब तक आप ये करके नहीं देखेंगे ना आपको ये क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट। तो जी, अगर एक फोल्डर मुझे पीछे आना है तो दो दफ़ा डॉट स्लैश और फाइल का नाम जो पिछले फोल्डर में फाइल है, अगर मुझे दो फोल्डर पीछे आना है तो आप देखें डॉट डॉट स्लैश और डॉट डॉट स्लैश, ये दो दफ़ा लगाऊंगा, अगर तीन दफ़ा आना है तो तीन दफ़ा लगा दूंगा, इसमें दो तक का जिक्र है लेकिन आपकी कोई लिमिट नहीं है, 3, 4, 6 फोल्डर भी हम पीछे आ सकते हैं,
ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे मैं बात बताता चलूँ कि मेरे रूट फोल्डर से पीछे आपने नहीं आना, जो रूट फोल्डर है ना मेरा जिसमें इंडेक्स पड़ा हुआ है, इससे मज़ीद पीछे आपने नहीं आना, क्योंकि इससे मज़ीद पीछे अगर आप आते हैं तो आपके कंप्यूटर में तो ये चल जाएगा, लेकिन जहाँ आपने इसको भेजना है ना होस्टिंग सर्वर पे, जब गिटहब के पेजेस पे भेजना है, गिटहब में जब भेजेंगे आप तो वहाँ पे वो प्राइवेसी ऐसी लगी हुई होती है कि ना रूट फोल्डर से पीछे का एक्सेस नहीं होता आपको, तो अगर आप रूट फोल्डर से पीछे की चीज़ को एक्सेस करेंगे वो नहीं मिलता आपको, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा फोल्डर या पूरी की पूरी गिट की रिपोजिटरी जो है ये आपने एज इट इज़ जो भेजनी होती है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उस रिपोजिटरी के लेवल से और पीछे ना आ जाए कहीं वेब डेवलपमेंट करते हुए, क्योंकि पीछे आएंगे तो आपके कंप्यूटर में तो वो आ जाएगा पीछे, क्योंकि जाहिर है आपके कंप्यूटर में वो किसी फोल्डर में है, उसके पीछे काफ़ी कुछ है ना, लेकिन जब उधर भेजेंगे ना तो उधर ये सब नहीं होगा, और उन्होंने प्राइवेसी ऐसी लगाई हुई है कि वो उस फोल्डर से पीछे की चीज़ें होती तो हैं ऑब्वियसली, वो भी क्योंकि कंप्यूटर है उसमें भी आपका फोल्डर कहीं रखेगा ही वो ले जाके, लेकिन वो प्राइवेसी ऐसी लगाई होती है कि उसके पीछे की चीज़ों का एक्सेस नहीं होता आपको, तो वो एरर वेरर देना शुरू कर देगा, तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया है ईमेल लिंक। अच्छा ईमेल लिंक लगाने का जो तरीका है वो सेम वही एंकर टैग है और उसके अंदर एचरेफ लगा हुआ है। अच्छा एचरेफ के अंदर जो बात लिखी हुई है ना ये ज़रा देखें, गौर से देखने वाली चीज़ है, लिखा हुआ है मेल टू, उसके बाद लिखा हुआ है कॉलन, और उसके बाद लिखा हुआ है एक सीधा सीधा सा एक ईमेल एड्रेस, ठीक है, एक बिल्कुल सीधा प्लेन ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। अच्छा अब ये मेल टू का जो लिंक है ना, चले मैं इसको ऐसे ही कॉपी करके ना यहाँ पे लगा देता हूँ, मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट के पेज पे, contact.html के पेज पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी ईमेल अस ठीक है जी ईमेल अस, और यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस चेंज करके मैं कह देता हूँ कि जी malik@sysborg.com, ठीक है जी, ये मैंने एक लिंक लगा दिया। अब मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे जब जाऊंगा तो ये ईमेल एस लिखा हुआ है यहाँ पे। इस बटन को क्लिक करने पे क्या होगा कि अगर मेरे कंप्यूटर में ईमेल का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो वो खुल जाएगा। अगर आप गूगल क्रोम पे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको तो शायद जीमेल को खोल दे, वो अंदर से कन्फिगर करना पड़ता है, बाई डिफ़ॉल्ट वो नहीं हुआ हुआ होता कन्फिगर, ठीक है। तो मैं क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है, मेरे पास ये ईमेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था, उसने खोलने की कोशिश की लेकिन वो क्योंकि पहली दफ़ा खुला है ज़िंदगी में तो इसलिए वो सेटअप वाले मोड में चला गया, ठीक है। तो इसको मैं जाके ना सेटिंग से कुछ ईमेल कर देता हूँ, वो पता नहीं कहाँ से होता है यार, छोड़ो खैर। तो विंडोज़ के अंदर जब आप ओपन करेंगे तो विंडोज़ में एक आउटलुक करके सॉफ्टवेयर होता है वो ईमेल का, वो बिल्ट इन विंडोज़ के अंदर होता है पहले से, इसके अंदर जो मेल के नाम से सॉफ्टवेयर था वो ओपन हो गया। अच्छा वो जब ओपन हो जाता है तो ओपन होने के बाद कैसा दिखता है वो, कि एड्रेस बार में ये एड्रेस लिखा हुआ जाता है जो ईमेल एड्रेस है, ठीक है। जब मैं देखिए हवर करता हूँ ना तो स्क्रीन के नीचे कोने पर वो मेरा ईमेल भी लिखा हुआ रहा है, तो वो एड्रेस का जो खाना होता है उसके अंदर क्या होता है ये बात लिखी भी आ जाती है, एड्रेस के खाने के अंदर इतना इतनी बात लिखी भी आ जाती है, और नीचे आप वो जो है ना मज़ीद सब्जेक्ट वगैरह लिख रहे होते हैं। अच्छा लेकिन ईमेल तो हो गया पुराना आइटम, अब नया आइटम क्या है, व्हाट्सएप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं व्हाट्सएप का लिंक लगाते हैं, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे की जाती है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, वो ये किया जाता है कि जी हर किसी के पास ना ये ईमेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता, ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास ईमेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, तो मैं यहाँ पे ना ईमेल अस लिखने के बजाय मैं ये पूरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखता हूँ, ताकि अगर किसी के पास वो क्लिक करने से काम नहीं कर रहा तो वो देख के तो एटलीस्ट कर लेना उसको, वरना तो दिखेगा ही नहीं उसको ईमेल, ठीक है। मैं ऐसे करके लिखता हूँ इसको, तो ये कुछ इस तरह से ये दिखने लग, अच्छा ये मुझे एक बी आर लगाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा ये, कि ईमेल भी दिख रहा है और क्लिक करने पे जो है ना ये क्लिक करने पे ये ईमेल का सॉफ्टवेयर खोल देगा, ठीक है जी। अच्छा तो और इसके साथ मुझे फिर एक ईमेल अस की एक वो भी चाहिए, एक हेडिंग सी भी चाहिए छोटी सी, यार ये क्या हो जा रहा है, प्रीव्यू चाहिए मुझे यहाँ, कोड चाहिए दरमियान में, तो मैं यहाँ लिखूँगा कि ईमेल अस,
सही है, इस तरह से लिखूंगा मैं कि ईमेल ऐसे इस तरफ आ गया और यहाँ पे ईमेल का प्रीव्यू भी है और उस पर क्लिक करने से वो ऐप भी खोलेगा उसकी। अच्छा, इसी तरह व्हाट्सएप का मुझे लिंक बनाना है तो मैं व्हाट्सएप में भी यही करूँगा, व्हाट्सएप अस, सही है। अच्छा, अब इसमें जो एचरेफ है ना, ये एचरेफ मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, इस एचरेफ का ना व्हाट्सएप वालों ने एक तरीका बताया हुआ है कि जी व्हाट्सएप का लिंक कैसे बनता है, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा कि जी व्हाट्सएप लिंक। तो लिंकिंग टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज, इसके लिए पहले तो अपने पेज को ज़रा हम बना लेते हैं, कुछ दो चार हेडिंग्स वगैरह डाल देते हैं अपने पेज पे हम। तो होम पेज पे चला जाता हूँ मैं, होम पेज पे ये काम करते हैं। हेडिंग वन मैंने कर दिया ये, इसके बाद एक हेडिंग टू डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि HTML का जो मेरे पास पेज था, होम वाला जो पेज था, उसके ऊपर ना मैंने कुछ हेडिंग्स और कुछ पैराग्राफ लगा लिए हैं। ठीक है, कोई मैंने 10-12 के करीब हेडिंग इसमें नहीं, 7-8 हेडिंग लगा लिए हैं। तो अब हमने करना क्या है कि मैं एक बटन पे क्लिक करूँ और ये हेडिंग नंबर 3 पे मूव कर जाए, हेडिंग नंबर 6 पे मूव कर जाए, इस तरह से मैं कुछ करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये जस्ट हेडिंग की बात नहीं है, ये मैं किसी भी एलिमेंट पर मूव करवा सकता हूँ, वो इमेज भी हो सकता है, वो लिस्ट भी हो सकता है। सॉरी, कंटेंट टेबल, मैं समझा नहीं, कंटेंट टेबल क्या है? हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो शुरू में हेडिंग जाती है, उसमें किसी भी हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट वो नीचे से पूरा पैराग्राफ पे ले जाता है। जी, इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए टेबल ऑफ कंटेंट आप बना सकते हैं जो बुक्स वगैरह में शुरू में होता है। ठीक है, लेकिन इसका वेब पेजेस के अंदर एक अलग किस्म का भी यूज़ केस होता है कि जी जैसे बैक टू टॉप का एक बटन होता है आमतौर पे देखोगे तो वो भी असल में इसी तरीके से बन रहा होता है। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए हर हेडिंग पे या हर उस एलिमेंट पे जिस पे मैं जाना चाहता हूँ उस पे मुझे एक आईडी देनी होगी। तो मैं एक आईडी यहाँ पे दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि H1, ठीक है, एक आईडी मैंने इसको दे दी, इसको मैं आईडी दे देता हूँ H2, ये कोई भी मेरी मर्ज़ी की आईडी हो सकती है। ठीक है, और पैराग्राफ्स को भी मैं आईडी दे देता हूँ, मे बी मैं इस पैराग्राफ पे मूव करना चाहूँ तो मैं कहता हूँ इसको P1, पैराग्राफ को P1 दे दिया मैंने, इसको मैंने दे दिया P2। ठीक है, उसके अलावा मैंने इसको दे दिया कि जी आईडी और H3, और इसी तरह मैं लास्ट वाले को भी एक आईडी दे देता हूँ, आईडी H7। ठीक है जी, हेडिंग 7 मैंने इसको आईडी दे दी। अब इसके ऊपर मूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अच्छा एक आईडी मैं इसको टॉप को भी दे देता हूँ, ये जो मेरा टॉप लिखा हुआ है ना इसको मैं कह देता हूँ कि जी आईडी है ये और टॉप, सही है। तो
इसकी इसको इस हेडिंग को मैंने टॉप के नाम से एक आईडी दे दी। अब क्या होगा, मैं लास्ट में एक बटन बना देता हूँ, यानी कि एक एंकर टैग बना देता हूँ, इसमें मैं लिखूँगा हैश और टॉप, और इस पर मैं हेड डिस्प्ले पे लिख देता हूँ कि जी बैक टू टॉप। ठीक है, ये मैंने जो लिंक बनाया है, ये कौन सा वाला लिंक बनाया है, नेविगेटिंग नेविगेट करने के लिए, सेम पेज के डिफरेंट पार्ट पे नेविगेट करने के लिए। और इस पे इस एंकर टैग के ऊपर जब क्लिक किया जाएगा तो ये कहाँ मूव करता है, जो एचरेफ में जो एड्रेस होता है उस पे मूव करता है। तो एचरेफ में जो एड्रेस है ना इस वक्त, वो एक आईडी का एड्रेस है कि जी आप फला आईडी पे चले जाएं। ठीक है, एक तो पेज अगर डिफरेंट फाइल होती तो फाइल का नाम लिखता, बट सेम फाइल है तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, उसकी आईडी लिख रहा हूँ, उस एलिमेंट की आईडी। तो जी इसको चल के देख लेते हैं कि क्या रिपोर्ट है इसकी। नीचे गया मैं, बैक टू टॉप का बटन दबाऊंगा तो ये टॉप पे पहुंच गया। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे टॉप पे अगर मेरे पास पांच हेडिंग्स हैं तो मैं पांच हेडिंग पे से किसी पे भी जाने के लिए ना बटन क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो पैराग्राफ है, मिसाल के तौर पे ये जो पैराग्राफ है ये वाला, ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने कहा कि जी लिंक आर क्रिएटेड यूजिंग विच एट्रीब्यूट और दिस दिस कॉल्ड एचरेफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे अगर बात लिखता हूँ, इधर आगे, ठीक है, कॉल्ड एचरेफ है ना, अब यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ कि भाई गो टू हेडिंग 7, ये मैंने बात लिखी। अब मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग 7 जो है ना, ये क्या बन जाए, क्लिकेबल हो जाए, मैं क्लिक करूँ तो सीधा हेडिंग 7 पे ले जाए। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एंकर टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें एचरेफ में मैं क्या लगा दूंगा, हैश करके H7, जो कि मैंने नीचे एड्रेस दिया हुआ है उसको। अब आप देखें क्या हो गया यहाँ पे कि गो टू हेडिंग 7, आमतौर पे होता है पैराग्राफ के बीच में कुछ इस तरह की बात लिखी होती है जी क्लिकेबल हो, तो मैंने H7 पे क्लिक किया तो ये मुझे नीचे मूव करा के H7 तक लेके आ गया। ठीक है, मैं H1 पे भी ले जा सकता था इसको। ठीक है, मैं H1 का भी एक बना देता हूँ, और गो टू हेडिंग 1। अब ये हेडिंग 1 को भी मैंने क्लिकेबल बनाना है, इसको एंकर टैग में लिखूँगा मैं, और इसको मैं एड्रेस क्या दूंगा, आईडी H1। रिफ्रेश किया मैंने इसको, यहाँ पे हेडिंग 7 पे भी जा सकता हूँ, हेडिंग 1 पे क्लिक करूँगा तो ये हेडिंग 1 को देखें टॉप पे लाके खड़ा कर दिया इसने। अच्छा, हेडिंग 7 पे जब मैं जाता हूँ तो हेडिंग 7 ना टॉप पे नहीं आता, स्क्रीन के नीचे आता है, क्योंकि पेज उससे आगे है नहीं। अगर पेज आगे होता तो ये उसको एक्चुअल उसकी कोशिश ये होती कि उसको यहाँ पे लाके खड़ा करे, इस जगह पे पेज के टॉप पे। ठीक है जी, तो ये हमने क्या देख लिया कि किसी भी पेज के डिफरेंट पार्ट्स पे अगर आपको नेविगेट करना हो तो उसके लिए भी तरीका एक मौजूद है। अच्छा, बहुत सारी वेबसाइट के अंदर जो सिंगल पेज वेबसाइट्स कहलाती हैं उसमें एक ही पेज होता है पूरी वेबसाइट में, आप अबाउट पे क्लिक करते हैं ना तो वो स्क्रॉल करके नीचे जाके अबाउट के सेक्शन पे ले जाके खड़ा कर देता है। तो एक ही वेबसाइट का एक ही पेज होता है, उसी पे पूरी की पूरी वेबसाइट चल रही होती है, स्क्रॉल के ऊपर काम कर रहा होता है वो। तो उस तरह की वेबसाइट अगर आप बनाना चाहें तो वो इसके ज़रिए बना सकते हैं। ठीक है, वैसे फ़िलहाल के लिए आपका जो असाइनमेंट है वो मल्टी पेज की वेबसाइट है। अच्छा, अब इसी से मुतालिक एक थोड़ा सा मज़ीद एडवांस कि जी लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अनदर पेज। आप ये कहते हैं इसको कि जनाब आप चले जाएं contact.html पे, और contact.html पे जब आप मूव करते हैं तो वो पेज टॉप पे खड़ा हुआ होता है, शुरू से दिखाता है पेज। आप कहते हैं नहीं जी, आप उसके ना फला हेडिंग पे चले जाएं, आप कॉन्टैक्ट पे चले जाएं और फला हेडिंग पे चले जाएं, या आप कॉन्टैक्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, सही है, आप कॉन्टैक्ट के पेज पे खड़े हुए हैं, मैं आ जाता हूँ कॉन्टैक्ट के पेज पे, कॉन्टैक्ट के पेज पे आप यहाँ खड़े हुए हैं और आपने कहा जी अच्छा ईमेल अस और व्हाट्सएप अस और टू नो मोर अबाउट आर कंपनी गो टू हेडिंग नंबर 6। तो मैं अभी इस वक्त कॉन्टैक्ट के पेज पे खड़ा हूँ, मैंने दो काम करने हैं, मैंने इंडेक्स पे भी जाना है और मैंने एक खास हेडिंग पे मूव कराना है उसको। नॉर्मली इसको नहीं रखना मैंने कि मतलब टॉप से नहीं दिखाना, एक खास हेडिंग पे लेके जाना है। तो जी मैं कॉन्टैक्ट पे आके ये वाला काम करता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट पे गया और मैंने कहा कि जी एक BR लगाओ यहाँ पे, और मैंने कहा कि टू नो मोर अबाउट आवर कंपनी गो टू, और मैंने गो टू करके एक एंकर टैग लगाया, मैंने कहा कि भाई हेडिंग 6।
अब मैं क्या करूँगा, डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और साथ में हैश, बगैर स्पेस के मैंने हैश दिया और एच सिक्स यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, पहले मैं सिर्फ इतना पार्ट लिखता था, अब मैंने साथ में हैश भी लगा दिया और एच सिक्स लगा दिया। तो अब ये क्या करेगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाके डायरेक्ट यहाँ पे मूव करेगा एच सिक्स पे। अच्छा, एच सिक्स जो है हमारे पास, नहीं डबल डॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेम लेवल पे अभी है, इसलिए डबल डॉट नहीं लिखेंगे। ये सेम यानी अबाउट कॉन्टैक्ट गैलरी और इंडेक्स ये सब एक लेवल पे पड़े हुए हैं, तो डबल नहीं लिखेंगे। या किसी फोल्डर में होता तो फिर डबल लिखना पड़ता। ठीक है, इंडेक्स के ऊपर आके मैं देख लेता हूँ कि जी एच सिक्स मौजूद है या नहीं है। एच सिक्स पे मैंने लगाया हुआ नहीं है तो उसको आई डी लगा देते हैं एच सिक्स। ठीक है, एच सिक्स। तो अब आते हैं जी हम, और मैं कॉन्टैक्ट पे जब जाता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है कि जी टू नो मोर अबाउट आर कंपनी गो टू हेडिंग सिक्स। तो हेडिंग सिक्स पे क्लिक करते ही ये मुझे कहाँ लेके आ जाता है, अच्छा पेज ऊपर था नहीं और, वरना ये हेडिंग सिक्स को इधर लाके खड़ा करता है। ये कोशिश इसकी ये होती है। ठीक है, तो ये जी हेडिंग सिक्स पे मुझे लेकर आ गया, अदरवाइज़ ये शुरू से लाता, अदरवाइज़ ऐसे लाके खड़ा करता। ठीक है, लेकिन अब की बार इसने क्या किया, और आप नोट करें यूआरएल के अंदर भी ना ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ ये एच सिक्स लगा हुआ है। अगर ये यूआरएल किसी को भेजेंगे ना, मतलब इसको ऐसे कट किया मैंने और किसी को भेजा, जब उसको ओपन करेगा वो एंटर करेगा तो उसके पास भी ये यहीं से खुलेगा, क्योंकि ये यूआरएल का पार्ट है, ये टॉप से नहीं खुलेगा, अदरवाइज़ तो ये टॉप से खुलता। ठीक है जी, तो ये हमने क्या देख लिया कि किसी दूसरे पेज पे मैं जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जी ये जाके डायरेक्ट एक ख़ास जगह पे खड़ा हो जाए, तो वो काम कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कोड ये पुश कर देता हूँ और यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो कंक्लूड हो चुका है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी समरी पढ़ लीजिएगा, आप सब लोग कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इमेजेस का चैप्टर पढ़ेंगे कि जी इमेजेस कैसे लगती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इमेजेस ऑलरेडी लगा के चेक कर ली है, लेकिन इमेजेस कैसे लगती है, उसमें क्या नीटी ग्रिटी चीज़ें होती हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सब इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इस चैप्टर को आप पहले से पढ़ कर आएँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर नेक्स्ट क्लास में।